नमस्कार। अहले सुबह आपको जगाना और जगा के ये बताना कि खबर अच्छी नहीं है, इसलिए हम उपस्थित हुए हैं। दरअसल अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आवाज संख्या 2 है और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह यानी कुमार जयमंगल जो बेरमो के विधायक हैं उनका ये आवास है और यहाँ पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। दरअसल ये आयकर विभाग की छापेमारी अहले सुबह से जारी है। कल पटना से 5 स्कॉर्पियो गाड़ी में आयकर की टीम यहाँ पर पहुँची है और लगातार जो छापेमारी है वो जारी है। खबर के अनुसार कांग्रेस के एक और विधायक प्रदीप यादव और अनूप सिंह के अलावा कई व्यवसायिक जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके घर भी छापेमारी जारी है। झारखंड में कुल 12 जगह पर आयकर और ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। फिलहाल 8 जगह पर ईडी की सूचना है कि ईडी छापेमारी कर रही है और 12 जगह पर आयकर विभाग। हालांकि आयकर विभाग के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन छापेमारी जारी है। और ये अनूप सिंह का बंगला आप देख रहे हैं जो सरकारी आवास है, रांची स्थित कचहरी चौक पर जो उनका सरकारी आवास है वहाँ पे सुबह से ही ये छापेमारी जारी है आयकर विभाग की। इसके अलावा जो एक खबर आ रही है प्रदीप यादव के संबंध में कि जो कांग्रेस के एक अन्य विधायक हैं प्रदीप यादव, वहाँ भी छापेमारी जारी है। इसके अलावा कई व्यवसायी, माना जा रहा है कि जो ईडी को सूचना मिली थी प्रेम प्रकाश अमित अग्रवाल के थ्रू कि कहाँ कहाँ मनी ट्रेल है उसको लेकर ये छापेमारी जारी है, लेकिन इन विधायकों के घर आयकर का जो छापेमारी जारी है इसके पीछे क्या वजह है, आयकर को क्या ऐसी सूचना मिली थी वो फिलहाल बता पाना मुश्किल है। ये वो गाड़ियां हैं जो पटना से कल रात में चलकर यहां रांची पहुंची है। कुल 5 गाड़ियों में आयकर विभाग की टीम रांची आई है और अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है। प्रदीप यादव के आवास पर भी छापेमारी जारी है। फिलहाल ये जयमंगल जी का आवास है जो आप देख रहे हैं, बेरमो के विधायक हैं और विधायक स्वयं अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल से वो यहीं पर हैं, बेरमो में नहीं है और विधायक अंदर हैं। लिहाजा ये जो छापेमारी अभी आप देख रहे हैं इसमें क्या कुछ फाइंडिंग आएगा इसके लिए तो वक्त लग जाएगा और आयकर विभाग क्या फिर उसके बाद विज्ञप्ति देकर बताती है कि क्या कुछ पाया गया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लगातार जो पिछले 3-3.5 महीनों से ईडी और आयकर को लेकर जो इस तरीके से चर्चा झारखंड में जोरों पर है, खासकर रांची में, अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा इस पे प्रतिक्रियाएं भी आएंगी कि क्या ये कार्रवाई कैसे है, क्या इस कार्रवाई को विपक्ष कैसे देखता है, सत्ता पक्ष कैसे देखता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस तरीके की चर्चाएं हैं और जो इनके तमाम कांग्रेस के लोग हैं फिलहाल उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन नहीं उठ पाया, उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर जाहिर नहीं की है। लेकिन ये आवास पर अहले सुबह आना और इस तरीके की केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा छापेमारी करना, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इनपुट अवश्य होगा। और अहले सुबह जैसे ही टीम पटना से रांची पहुंची, सुबह 7 बजे से ही ये लगातार छापेमारी जारी है। अब फिलहाल जो भी विधायक का आवास है या ठहरने का जगह वहाँ पे भी ये जारी है। और इसी के साथ जो प्रदीप यादव जो JBM से आए हैं कांग्रेस में, उनके यहाँ भी ये छापेमारी जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि कल का भी पूरा दिन हैट्रिक रहा। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा है और सम्मन पे राजनीति भी गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि वो व्यस्त हैं और उनका अपना एक शेड्यूल है, लिहाजा ऐसा उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया है जिसके चलते उनको
तुरंत से हाजिर होना पड़े। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा लगता है ईडी को कि कोई हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया है तो फिर सम्मन की क्या ज़रूरत है, सीधे गिरफ्तारी ही क्यों नहीं कर लेते। कल मुख्यमंत्री आवास के सामने भी आपने देखा होगा जेएमएम के हजारों कार्यकर्ता जुटे थे, जिसके संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें की। हालांकि अभी दिन के 12 बजे बाबूलाल मरांडी भी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हालांकि उन्होंने अपना एक ट्वीट करके ये जाहिर किया है कि मुख्यमंत्री के बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है, कि जिस तरीके से उन्होंने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री स्वयं पॉलिटिकल टारगेटेड किलिंग की करने की बात कह रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के बाद एक बार फिर से गवर्नर हाउस, मुख्यमंत्री आवास, ईडी कार्यालय और तमाम विधायकों का अब ये फेयर लिस्ट में नाम जुड़ गया, ये सुर्खियों में रहेंगे और लगातार खबरें आपको यहीं से मिलती रहेंगी। आरोप होगा, आरोप की प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन जिस तरीके से अहले सुबह ये छापेमारी जारी है, अहले सुबह से लगभग 7 बजे से, इसमें क्या कुछ मिलता है और ईडी को किस बात को लेकर आशंका थी, क्यों दोनों विधायक, चाहे वो प्रदीप यादव हो या जयमंगल, उनके घर छापेमारी की गई, वो देर शाम तक ही पता चल पाएगा। फिलहाल कई व्यवसायिक ठिकानों पर भी और व्यवसायियों के घर पे भी छापेमारी जारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 12 जगहों पर जो सूचना है कि आईटी की छापेमारी और 8 जगह पर ईडी की छापेमारी झारखंड में चल रही, जमशेदपुर, बोकारो और तमाम ऐसे जगहों पर, धनबाद वगैरह में भी छापेमारी जारी है। ये छापेमारी किससे संबंधित है, क्या कुछ है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो तत्कालिक सूत्र बता रहे हैं कि अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और ये सब जिस तरीके का बयान दिए थे, उससे संबंधित ईडी की छापेमारी है। आयकर की छापेमारी किस वजह से है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही अंदर, चाहे वो ईडी हो या आईटी हो, दोनों आता है। लिहाजा जैसे ही ये मामला पैसे से संबंधित या उससे अधिक पैसे से संबंधित होगा, ईडी इसको टेक ओवर कर सकती है। फिलहाल आप देखते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि दूसरे जगह का भी फुटेज आपको जल्द दिखाएं। अभी फिलहाल ये अनूप सिंह का बंगला है, जहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी, पटना से ये टीम आई है इनकम टैक्स की, 5 गाड़ियों में सवार होके, और यहां पे फिलहाल छापेमारी जारी है। शुक्रिया। ये लोग आया सबका।